बांग्लादेश ने उठाया ऐसा कदम जो उसकी तबाही का कारण बन सकता है। यह वही बांग्लादेश है जो आज तक भारत की दोस्ती और सहारे पर टिका हुआ था, लेकिन अब बांग्लादेश ने उस हाथ को काटने की कोशिश की है जिसने उसे कभी ताकत दी थी। हाल ही में बांग्लादेश से ऐसा बयान सामने आया है जिसने न केवल भारत के नेताओं और कूटनीतिज्ञों को चौंका दिया है, बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में हलचल मचा दी है। बांग्लादेश, जो कभी भारत की मदद से पाकिस्तान से आजाद हुआ था, अब अपने बाप के खिलाफ ही चालाकी करने पर उतर आया है। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने हाल ही में एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने कुख्यात आतंकी समूह अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के नेता जसीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा कर दिया है। रहमानी का सीधा संबंध अलकायदा से है और यह वही व्यक्ति है जिसने भारत को तोड़ने के लिए 5 अलग अलग प्लान तैयार किए हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता छोटे लादेन ने अपनी हालिया सभा में न सिर्फ कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलकर आजाद कराने की धमकी दी है, बल्कि पंजाब को खालिस्तान और पश्चिम बंगाल को भारत से अलग करने का आह्वान भी कर दिया है। इतना ही नहीं, उसने ममता बनर्जी को भी चुनौती दी कि वह पश्चिम बंगाल को भारत से अलग कर लें। बांग्लादेश के इन उकसावे भरे बयानों ने भारत को बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। अब वह समय आ गया है जब भारत को कूटनीतिक और आर्थिक कदम उठाकर बांग्लादेश को उसकी औकात दिखानी होगी। भारत की तरफ से इस तरह की उग्रवादी हरकतों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत बांग्लादेश की इस चूक का कैसे जवाब देता है। कूटनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है और जल्द ही बांग्लादेश को अपनी इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्या बांग्लादेश ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या अब भारत बांग्लादेश को उसकी सही जगह दिखाएगा? देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बात साफ है, बांग्लादेश ने जो तीर छोड़ा है वह उसी के सीने में गहराई से ढंसने वाला है। बांग्लादेश के आतंकवादी नेटवर्क की साजिशें अब सतह पर आ गई हैं और इन साजिशों का सूत्रधार है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का नेता जसीमुद्दीन रहमानी। हाल ही में जेल से रिहा हुए रहमानी ने भारत को सीधे सीधे 5 खतरनाक योजनाओं के तहत चेतावनी दी है, जिनका मकसद भारत के अस्तित्व को चुनौती देना है। रहमानी ने अपनी योजनाओं को जाहिर करते हुए जो धमकियां दी हैं, वह न सिर्फ भारत की संप्रभुता को निशाना बनाती है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक गंभीर खतरा है। आइए जानते हैं रहमानी के 5 घातक प्लान्स जो भारत को बर्बाद करने की ओर इशारा कर रहे हैं। रहमानी का पहला और सबसे खतरनाक प्लान है कि वह भारत में खालिस्तानी विचारधारा को फिर से जीवित करेगा। उसका उद्देश्य है कि भारत के खालिस्तान समर्थक तत्वों को उकसाकर देश में अराजकता फैलाई जाए। पंजाब के अंदर अलगाववाद की चिंगारी को हवा देकर भारत को तोड़ने की साजिश का यह पहला कदम है। रहमानी की दूसरी साजिश है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर को भारत से आजाद कराना। यह प्लान सीधे सीधे भारत की अखंडता पर वार करता है और इसका मकसद जम्मू कश्मीर में आतंक और उग्रवाद को बढ़ावा देना है। पाकिस्तान की मदद से कश्मीर में अशांति फैलाने की यह खतरनाक योजना बांग्लादेश की साजिशों को बेनकाब करती है। रहमानी ने ममता बनर्जी को भी अपने प्लान का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। उसकी तीसरी धमकी है कि ममता बनर्जी बंगाल को भारत से अलग करने की कोशिश करें। वह चाहता है कि ममता बनर्जी मोदी सरकार को चुनौती दें और बंगाल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करें। रहमानी की चौथी और सबसे बड़ी धमकी यह है कि अगर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कोई कदम उठाया तो वह चीन से कहेगा कि वह सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, को बंद कर दे। यह कॉरिडोर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। अगर यह बंद हुआ तो भारत के इन राज्यों के संपर्क टूट जाएंगे और वहां अलगाववाद को हवा दी जाएगी। रहमानी की पांचवी और आखिरी धमकी यह है कि वह जल्द ही दिल्ली में तौहीद का झंडा फहराएगा। तौहीद यानी इस्लाम में ईश्वर की एकता का प्रतीक, जिसे राजधानी में फहराकर वह भारत के सांप्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंचाने की साजिश कर रहा है।
इन पांच खतरनाक योजनाओं से साफ है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें अब खुलेआम भारत को चुनौती दे रही हैं। ऐसे में भारत को न सिर्फ कूटनीतिक रूप से बल्कि सामरिक रूप से भी तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। भारत को अब बांग्लादेश के इन मंसूबों को कुचलने के लिए सख्त कार्रवाई करनी होगी। इसी बीच बांग्लादेश ने एक और चौंकाने वाला कदम उठाते हुए हिल्सा इलिश मछली के निर्यात पर रोक लगा दी है। दुर्गा पूजा से ठीक पहले इस फैसले ने बंगाल के बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। हिल्सा, जो दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है, की कीमतें आसमान छू रही हैं। बांग्लादेश का यह कदम भारत के साथ अपने संबंधों में और खटास ला सकता है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने अपनी साजिशें जाहिर कर दी हैं। अब यह भारत पर निर्भर है कि वह किस तरह से इन धमकियों का जवाब देता है। क्या भारत बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाएगा या बांग्लादेश के ये साजिशकर्ता भारत को चुनौती देने में कामयाब होंगे? आने वाले समय में इस मामले पर भारत की कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण होगी। बांग्लादेश द्वारा हिल्सा मछली के निर्यात पर लगाए गए बैन के बाद पश्चिम बंगाल में हिल्सा की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस साल बांग्लादेश से हिल्सा की आपूर्ति नहीं होने से भारत को अब ओडिशा, म्यांमार और गुजरात जैसे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस स्थिति में हिल्सा की कीमतों में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है। दिल्ली में बांग्लादेश से आने वाली हिल्सा की कीमत पहले से ही 2200 से 2400 रुपए प्रति किलोग्राम है और इसमें और वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। बंगालियों के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक दुर्गा पूजा के दौरान इस मछली की भारी मांग होती है। पूजा के अनुष्ठानों के दौरान हिल्सा मछली को देवी दुर्गा को अर्पित करने की परंपरा है और दशमी का दिन हिल्सा खाने के मौसम का आखिरी दिन माना जाता है। बांग्लादेश सरकार ने इस बैन के पीछे यह कारण दिया है कि वह स्थानीय जनता के लिए हिल्सा की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहती है। बांग्लादेश के मत्स्य पालन और पशुधन मंत्रालय की सलाहकार फरीदा अख्तर ने बताया कि अगर निर्यात जारी रहता तो बांग्लादेश में ही मछली के दाम आसमान छू सकते थे। हालांकि इस बैन से भारत को गंभीर नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भारत ने इसका समाधान ढूंढ लिया है। अब म्यांमार के रास्ते हिल्सा मछली भारत आ रही है, लेकिन इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। कुछ महीने पहले एक किलो हिल्सा की कीमत लगभग 800 रुपए थी, जो अब बढ़कर 2400 रुपए तक पहुंच गई है। अब सवाल यह है कि क्या भारत को भी बांग्लादेश से आने वाले चावल पर रोक लगानी चाहिए? क्या यह कदम हिल्सा पर बैन का माकूल जवाब होगा? इस पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट में हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम बोलते हुए इस खबर को फैलाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।